रिएक्टिव मेटल होता है एयर के कॉन्टैक्ट में जल्दी से रिएक्ट कर लेता है और इसीलिए उसको साफ किया जाता है ताकि वो इजिली बर्न्स हो जाए, जल जाए। जलने का क्या होता है, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन में बर्न्स करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का याद रखिएगा वाइट पाउडर बनेगा, है ना, वाइट पाउडर बनेगा। तो आपने पता है कि सिल्वर वाइट मेटल होता है, आपने देखा भी होगा, ठीक है। अगर एयर में बर्न्स होता है तो याद रखिएगा ब्राइट वाइट फ्लैश इमिट करता है, मतलब एक ब्राइट लाइट के साथ वो इमिट करेगा, मतलब फ्लेम जो बनेगा उसका एकदम ब्राइट। मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम जमा करते हैं इसमें, ठीक। बिल्कुल ब्राइट वाइट होगा और वो फिर अगेन वो कंबाइन करता है। जलने के टाइम में क्या होता है, ऑक्सीजन से कंबाइन करता रहता है और कंबाइन करते करते एक्चुअल में उसका नेचर जो होता है वो बेसिक होता है, बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ये एक्चुअल में इसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, बेसिक होगा, बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑब्वियसली एक बेसिक एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली ये बेसिक एलिमेंट है तो इसका कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। पीएच चेक करेंगे, इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, तो उसको उसके लिए क्या होता है कि अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को अब वाटर में डिजॉल्व कर दो, ठीक है, मिक्स कर दो, वो बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वाटर से रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेसिक बनेगा, ठीक है, ये बेस बनता है। तो ये पहचान है, When magnesium oxide is dissolved in water, magnesium hydroxide is formed. ठीक है, equation of equation जो आप देख सकते हो। अब इसके लिए precaution है, जब हम sand paper का use करना है ना, clean the magnesium ribbon. मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले sand paper से हमें क्लीन करना पड़ेगा, ये पहला precaution है। Second precaution ये, hold the magnesium ribbon with टंग्स, है ना, एक चिमटा से पकड़ के रखना है ताकि अगर हाथ से पकड़ेंगे तो क्या होता है कि हीट का कंडक्ट करते हैं, हीट को तुरंत भी कंडक्ट कर लेता है, तो आप गर्म हो की वजह से या उसका फ्लेम की वजह से भी कुछ हो सकता है, तो इसलिए इसको चिमटा से पकड़ते ताकि वो हीट को कंडक्ट ना कर पाए, है ना। थर्ड है अवॉइड लुकिंग डायरेक्टली, एक्चुअल में क्या होता है अगर देखना है तो डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, देखना बल्कि यूज़ करना है किसका, सनग्लास का, है ना, सनग्लास का यूज़ करके हमें इसको डायरेक्टली हमें नहीं देखना चाहिए उसके बर्निंग लाइट को, ठीक है। जब देखना है तो सनग्लास का यूज़ करके देखो, हो सकता है कि उसका जो लाइट होगा वो आपके आँख पर ख़राब कर सकते हैं। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड के मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के कुछ प्रिकॉशन थे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है।